हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं रानीपुर आया हूं और आदिल खान समाज सेवी का आज जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य पे ये जो है समाजवादी कार्यकर्ता और समाज सेवी कार्यकर्ता लोग ये पेड़ वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं। और कुछ बताइए सर, अपना नाम बता दीजिए। जी, नेता नासिर खान, विधायक प्रतिनिधि, ब्लॉक बहादुरपुर। तो आज किस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं? जी, हमारे मित्र आदिल खान जी का आज जन्मदिन है, जो कि एक समाज सेवी हैं और इस समय वो चंबल में हैं। एक गरीब बच्चों को पढ़ाई में लगे हुए हैं और उनके ना उपस्थिति में हम लोग उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। और उनके जन्मदिन के मौके पर हम लोग एक पौधा लगाकर जो पर्यावरण को एक साफ हवा देना चाहते हैं, और तमाम उनके चाहने मानने वाले साथ में मौजूद हैं। तो कितना पेड़ लगा रहे, कौन कौन सा पेड़ है, कुछ बताएंगे? पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी शाम हो गया है। अगले दिन हम लोग को प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ कितना पेड़ लगाए, दिखाए अभी दीजिए कौन कौन। बस यही मौजूदा पेड़ है वहाँ पर। तो और कहाँ पेड़ लगाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जो क्षेत्र में आ जाएगा, क्षेत्र में जैसे हमारा गोबिंदापुर हुआ, कुसौरा हुआ, कलवारी, चमनगंज, कम से कम हम लोग की प्लानिंग है 1000 पेड़ लगाने की प्लानिंग है, और ये चलता रहेगा जब तक लग नहीं जाएगा 1000 पेड़। तो पेड़ से कुछ फायदे गिना देंगे, जो अभी बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा पेड़ के बारे में कम जानकारी होगा, वीडियो के माध्यम से बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? पेड़ से बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो हमारा पर्यावरण जो है बहुत सुरक्षित रहेगा, और हमें जो ऑक्सीजन जो हमें चाहिए, जो ऑक्सीजन लेवल हमको चाहिए, हर आदमी को चाहिए, वो हमें उचित मात्रा में मिलता रहेगा और स्वच्छता हमारी बनी रहेगी। यानी पेड़ से बरसात भी अच्छा होता है और पेड़ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेता, ऑक्सीजन निकालता है, तो पर्यावरण भी शुद्ध रखता है। और पेड़ बचाने के लिए भी कुछ प्रयास करते हैं आप लोग? बिल्कुल, 100% प्रयास किया जाता है, और हर साल, और हमारे यहाँ तमाम सारे मित्र हैं और सभी के मित्र पे हम लोग की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी के बर्थडे पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। यानी आप लोग इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं? जी जी, अभी हम तो उनके नाम पर केक काटेंगे। ठीक ठीक, और उनको बधाई देंगे ना उनकी ना उपस्थिति पर। ठीक, हाँ हाँ।